इन पॉइंट को केस में अपने बैंक अकाउंट में लेना है। हमारे बैंक में ट्रांसफ़र है वो किया जा चुका है, तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम है वो नहीं लगा, कुछ ही सेकंडों में ट्रांसफ़र है वो हो चुके दोस्तों, हैं। यदि आपके पास भी इस तरह का बिरला वाइट का टोकन है तो आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रिडीम कैसे कर सकते हैं, यानी कि टोकन को पैसों में बदल कर उस पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैसे डालेंगे, वो भी स्टेप बाई स्टेप, और जानेंगे कि इस तरह के टोकन हैं तो एक टोकन का कितना रुपया मिलता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बिरला बाइट के टोकनों को रिडीम करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर है वो आपको ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में आपको सर्च बार में लिखना है बिरला बाइट। जैसे आप ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको एक बिरला वाइट की एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आपको इंस्टॉल का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। हमारे सामने इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड है वो किया हुआ है। यदि आप भी डाउनलोड कर लेंगे तो इस प्रकार से ओपन का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ से आप ओपन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस एप्लीकेशन को पहले से ही चलाते हैं, यानी कि आपने इस एप्लीकेशन में पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालकर आपको लॉगिन है वो आपको कर लेना है। और यदि आपने इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे की ओर यहाँ पर आपको न्यू यूजर करके इसके आगे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो दिया गया है, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है, तो आपको अपने जो मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको गेट ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की एक ओटीपी है वो भेजी गई है, वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का जो सेकेंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा और आपसे पर्सनल जानकारी है वो मांगी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपकी जो भी फ़ोटो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है। आधार कार्ड में आपका जो नाम है वही यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको एक ईमेल आईडी है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर के माध्यम से। इसके बाद में आपको मैरिज ऑफ डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो एप्लीकेंट कैटेगरी में यहाँ पर आपको दो कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती हैं। पहली है पेंटर और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर। तो आप जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर पेंटर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल है या फिर ऑन कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको बिरला वाइट ऑफिसर सस्पेंस आईडी है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यदि आपके पास नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का थर्ड जो स्टेप है उसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह की जानकारी है वो आपको दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन 1 दिया गया है। यदि आपका एड्रेस छोटा है तो आप पहली लाइन में यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और सेकंड लाइन आप लेंगे छोड़ सकते हैं। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप दोनों लाइनों में यहाँ पर आप अपने एड्रेस को दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आप लैंडमार्क दे सकते हैं। पिन कोड है वो यहाँ पर आपको 6 डिजिट के वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो आपको पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको टिक मार्क कर देना है। ये जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का जो फोर्थ स्टेप है ओपन हो जाता है। इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी बैंक की जानकारी है वो आपसे मांगी जा रही है, जिस बैंक अकाउंट में आप टोकन का पैसा रिडीम है वो करना चाहेंगे। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट के जो नंबर है सही से वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में IFSC कोड है वो आपको दर्ज करना है। आपको अपने बैंक अकाउंट की डायरी में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से देख कर यहाँ पर आप फीड
कर देंगे। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है पेमेंट रिसीव करने के लिए, रिडीम के जो टोकनों का पैसा लेने के लिए यूपीआई का, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट है रिसीव कर सकते हैं। तो आप अपनी यूपीआई आईडी है वो डालेंगे, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो सभी जानकारी है वो आपको दर्ज करना है, या फिर आप एक भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे ई केवाईसी से संबंधित जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आपको अपने जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है यदि आपके पास बिरला व्हाइट ऑफिशियल सस्पेंस आईडी है वो नहीं है। इसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सभी जानकारी है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का लास्ट जो स्टेप है ओपन होता है, इसमें आपसे रिटेलर मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर या रिटेलर का मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इंडिविजुअल है वो आपको सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में आपसे लैंग्वेज है पूछी जाएगी कि आप कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश ही भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिल रहा है कि वी हैव क्रेडिट 50 ज्वाइनिंग बोनस पॉइंट, यानी कि आपको 50 जो पॉइंट है 50 रुपए हैं वो आपको बोनस के रूप में मिले हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप इसे भी रिडीम है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है, एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है, KYC है, UPI है, अभी पेंडिंग है, लेकिन इसमें आपको कुछ समय आपको वेट करना होगा। एक या दो दिन बाद में ये जो जानकारी है वो अप्रूव हो जाएगी, और यहाँ पर ये जानकारी है पेंडिंग है वो शो नहीं होगी। वो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो पॉइंट है वो देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर 50 पॉइंट है वो क्रेडिट है वो हो चुके हैं। और दोस्तों यदि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कोई भी जानकारी ब्लैंक छोड़ दी है और अब आप दर्ज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सेटिंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी कंप्लीट जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है एड्रेस डिटेल्स है, मैनेज अकाउंट है, और यहाँ पर मैनेज UPI है, KYC डिटेल्स है, और यहाँ पर जो पर्सनल जानकारी है वो भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको इनमें से एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ, तो एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं वो डिटेल्स चेंज कर देंगे। इसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, इसके बाद में आपकी डिटेल्स अब अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आपकी KYC डिटेल्स है वो कम्प्लीटली अप्रूव हो जाती है, इसके बाद में आपकी जो यहाँ पर जो जानकारी पेंडिंग शो हो रही थी वो यहाँ से हट जाएगी। KYC अप्रूव हो जाने के बाद में इस जो सेटिंग का आइकन है उस पर आप क्लिक करके बैंक डिटेल्स है, KYC डिटेल्स है वो आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको वेरीफाइड करके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी जानकारी है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इसी प्रकार से आप अपनी KYC जानकारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जानकारी अपडेट हुई है या नहीं हुई है। KYC में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी है, आधार कार्ड की जानकारी है, वो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हुआ है या पैन कार्ड वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि नहीं हुआ है तो किसी भी कारण का रीज़न है वो दिया होता है, उस रीज़न को आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो KYC भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप अपने टोकन को स्कैन करके पॉइंट है इस एप्लीकेशन में कैसे आप ले सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर आपको कूपन स्कैन का एक बटन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने शो हो जाएगा, तो आपको इसकी बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, कैमरे के सामने आपको अपना जो टोकन लाना है, टोकन में जो QR दिया होता है उसको आपको कैमरे से स्कैन है वो आपको करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन में प्रोसेस है वो चलना लग जाएगा, और कुछ ही सेकेंडों में आपका टोकन का जो पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन में डैशबोर्ड पर शो होने लग जाएगा। और आप पॉइंट की हिस्ट्री आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो टोकन स्कैन किया है वो इस एप्लीकेशन में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने काफ़ी टोकनों की हिस्ट्री है वो देखने को मिल जाएगी, ये जो भी आप स्कैन करेंगे, और इसमें यहाँ पर डेट है, टाइमिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यदि आपने टोकन को स्कैन करके पॉइंट है अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिए हैं और इन पॉइंट को आप रिडीम करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो रिडीम करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर 3 लाइन है वो दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी सर्विसेज है वो देखने को मिलेंगी, इनमें से यहाँ पर आपको जो कैश रिडीम का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैश ट्रांसफ़र और कैश ट्रांसफ़र हिस्ट्री। तो
तो आपको रिडीम करना है तो आपको कैश ट्रांसफर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो कैश जो पॉइंट है वो टोटल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि 115 पॉइंट का 115 रुपये ही बन रहा है, यानी कि एक पॉइंट का एक रुपया है। अब इन पॉइंट को कैश में अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो आप सबसे पहले ट्रांसफ़र वाया आप सेलेक्ट करेंगे, या तो आप बैंक में भेज सकते हैं या फिर आप UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। तो मैं बैंक वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पेंडिंग एट द बैंक इफ़ योर कैश नॉट डिपॉजिट नेक्स्ट 72 आवर, यानी कि 72 घंटे में आपका जो पेमेंट है आपके बैंक में रिसीव है वो हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी देर में जो पेमेंट है हमारे बैंक में रिसीव होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पेज को बैक करके इस पेज पर वापस आया तो हमारे सामने इस प्रकार से सक्सेसफुली का मैसेज है वो शो हो चुका है कि हमारा जो पेमेंट है रिडीम किया हुआ हमारे बैंक में ट्रांसफ़र है वो किया जा चुका है। तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम है वो नहीं लगा, कुछ ही सेकेंडों में ट्रांसफ़र है वो हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने टोकन के पॉइंट को रिडीम है अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पेमेंट है वो यहाँ पर रिडीम कर लिया है तो डैशबोर्ड पर पॉइंट है वो यहाँ पर जीरो हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पॉइंट को रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में रुपए हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।